एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम राम और श्याम था। एक दिन गांव में एक मेला आया। राम और श्याम बहुत उत्साहित थे। उन्हें मेले में बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके का 3D एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से 3D एनिमेशन वीडियो बनाकर किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे आप 3D एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टोरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ChatGPT ओपन कर लेना है। ChatGPT ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरी के बारे में कमांड देना है कि आपको किस तरीके की स्टोरी जनरेट करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ, अ मैजिकल स्टोरी इन हिंदी। ओके, देख सकते हैं मैंने कमांड दे दी है अ मैजिकल स्टोरी इन हिंदी। तो देख सकते हैं ChatGPT ने पूरी स्टोरी जनरेट करके दे दी है, जो कि बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, और इंटरेस्टेड स्टोरी है। जब आपकी ये स्टोरी पूरी की पूरी जनरेट हो जाए तो आपको एक काम करना है, इस स्टोरी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद किसी भी नोट पैड पर इसको सेव कर लेना है। नोट पैड पर इसलिए सेव करना है ताकि ये स्टोरी अगर हट भी जाए तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोरी रहे। ओके, अभी इस स्टोरी को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मैं कमांड दे रहा हूँ इन इंग्लिश। तो देख सकते हैं ये इंग्लिश में कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी है। जब ये स्टोरी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए तो आपको एक और वेबसाइट ओपन कर लेनी है, सेकंड विंडो ओपन करनी है। ओके, उस वेबसाइट का नाम है ग्रेविटी राइट। ओके, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वाले वीडियो में लोग कह रहे थे कि सर ग्रेविटी राइट में सर्च बार का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना है तभी सर्च बार का ऑप्शन आने वाला है, अन्यथा आप बेकार में परेशान हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री लिखा हुआ है। ओके, सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, स्टार्ट फॉर फ्री लिखा हुआ है। सिंपल तरीके से आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी के साथ साइन अप कर लेना है। लिखा हुआ है साइन अप विद गूगल। ओके, साइन अप विद गूगल, जब मेल आईडी के साथ यहाँ पे साइन अप कर लेंगे, करने के बाद कुछ इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर वेबसाइट पे इस तरीके का कुछ भी पॉपअप आता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। सिंपल तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कट कर देना है। ओके, कट करने के बाद दोबारा से कुछ भी पॉपअप अगर आता है तो सिंपल तरीके से दोबारा से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको सर्च करना है AI इमेज। ओके, जब आप AI इमेज सर्च करेंगे, ओके, तो नीचे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है AI इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स। ओके, तो सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे AI इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन नज़र आने लगता है। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ दी जॉनर ऑफ दी फिल्म। तो नीचे आप लिख सकते हैं किस तरीके की स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मैजिकल स्टोरी जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मैजिकल डाल दे रहा हूँ। इसके बाद देख सकते हैं व्हाट इज़ दी फिल्म स्टाइल। ओके, तो 3D में बनवाना चाहते हैं तो आप 3D में डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर योर वीडियो स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने ChatGPT से हिंदी वाली स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था ना, तो उस इंग्लिश वाली स्टोरी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, बिकॉज अभी यहाँ से प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना है। तो देख सकते हैं स्टोरी से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो चुके हैं। ओके, जब प्रॉम्प्ट्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सिंपल तरीके से आपको एक और वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जिसका नाम है Leonardo AI। ओके, तो दोस्तों नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। तो सिंपल तरीके से आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो सिंपल तरीके से गूगल का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी के साथ साइनअप कर लेना है। मेल आईडी के साथ साइनअप करने के बाद जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन अगर नज़र आता है ना, सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ ऐसा पॉपअप नज़र आ रहा है, व्हाट्स न्यू लिखा हो, कुछ भी लिखा हो और वहाँ पर कट का ऑप्शन आ रहा हो, तो सिंपल तरीके से आपको कट के ऑप्शन पर ऊपर देख सकते हैं कट का ऑप्शन है, कट के ऑप्शन से कट कर देना है। कट करने के बाद देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओके, तो अभी इस वेबसाइट पे आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत है। देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है इमेज जनरेशन।
तो सिंपल तरीके से आपको इमेज जनरेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से कुछ इस तरीके का पॉपअप अगर आता है तो आपको इस पॉपअप को कट कर देना है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस को जनरेट किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में इनको यूज़ किया हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इमेजेस जनरेट होती हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ से आप भी इस तरीके की अच्छी अच्छी इमेजेस को बहुत ही आसान तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो अभी आपको इस वेबसाइट पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद साइड में देख सकते हैं आप यहाँ पे एडवांस कंट्रोल लिखा हुआ है। यहाँ पे जिस भी फ्रेम में आप इमेजेस को जनरेट करना चाहते हैं वो फ्रेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतना काम करने के बाद सिंपल तरीके से इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 3D एनिमेशन स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद सबसे पहले आपको ग्रेविटी राइट वेबसाइट पे आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ से एक प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जनरेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो सिंपल तरीके से आपको जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो इमेजेस हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो देख सकते हैं इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। आप सिंपल तरीके से आप स्टोरी पे आ जाइए। स्टोरी पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समय की बात है एक छोटे से गाँव में। तो शुरुआत में गाँव की बात हो रही है। ओके, तो हमें गाँव की इमेजेस चाहिए। तो देख सकते हैं प्रॉम्प्ट्स जो है वो कहीं से भी इमेजेस को जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक गाँव की इमेज चाहिए, जबकि प्रॉम्प्ट्स जो है वो एक लड़के की इमेज दे रहा है। ओके, लड़के की इमेज भी हमें चाहिए है। तो आप देख सकते हैं जब आप प्रॉम्प्ट्स से इमेजेस को जनरेट करेंगे ना तो इमेजेस आगे पीछे आ सकती हैं, यानी कि आगे पीछे की इमेजेस स्टोरी की जनरेट हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके सिंपल तरीके से इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो हमें एक गांव की इमेज चाहिए तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है अ विलेज पिक। ओके, तो जब भी आप प्रॉम्प्ट्स डालेंगे लियोनार्डो वेबसाइट पे और कुछ इमेजेस अगर छूट जाती हैं तो सिंपल तरीके से जिस भी इमेज को आपको जनरेट करना है ना तो वो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इंटर कर दे रहा हूँ अ विलेज पिक। देख सकते हैं नीचे विलेज की पिक जनरेट होके आ चुकी हैं। तो दोस्तों जब आप सारी की सारी इमेजेस को लियोनार्डो वेबसाइट से जनरेट कर लेंगे उसके बाद आपको उन इमेजेस को उन पिक्स को एनिमेशन में कन्वर्ट करना है। तो एनिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। उस वेबसाइट का नाम है runway.ml। तो सिंपल तरीके से आपको runway.ml वेबसाइट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई रनवे फॉर फ्री। ओके, तो सिंपल तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको स्किप कर देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे स्किप करना होता है। तो स्किप करने के बाद देख सकते हैं वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का सामने नज़र आ जाता है। उसके बाद आपने जो भी इमेजेस को लियोनार्डो वेबसाइट से जनरेट किया हुआ है उन सारी की सारी इमेजेस को यहाँ पे आपको अपलोड करके उन इमेजेस को एनिमेशन में कन्वर्ट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ कैसे करना है। तो सिंपल तरीके से ये सामने का ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्राई जेन 2, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है नंबर बाय नंबर। जो भी आपने इमेजेस को लियोनार्डो वेबसाइट से जनरेट किया हुआ है उन सारी की सारी इमेजेस को एक एक करके अपलोड करना है। तो सिंपल तरीके से पहले गांव की इमेज को विलेज की इमेज को यहां पे मैं अपलोड कर दे रहा हूं। तो देख सकते हैं ये इमेज है, इसको मैं यहां पे अपलोड कर दे रहा हूं। अपलोड करने के बाद देख सकते हैं नीचे जनरेट का बटन आ रहा है। तो सिंपल तरीके से आपको जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो जनरेट होके आ चुका है। इसको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही नेचुरल लग रहा है, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। ओके, तो इसी तरीके से आपको सारी की सारी इमेजेस को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, एक और इमेज यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। और एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो इमेज है वो जनरेट होकर आ चुकी है। देख सकते हैं ये भी बहुत ही नेचुरल लग रही है, बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। अगर आप इस तरीके के वीडियोस को अपने YouTube चैनल पे या फिर Instagram पे या फिर Facebook पे डालोगे ना तो डेफिनेटली लोग वहाँ पे इन वीडियोस को देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वीडियोज़ लग रहे हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियोज़ लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। ओके, 3D इमेज को जनरेट करने के बाद
आप उनको एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप AI वॉइस को बिल्कुल फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे। ओके, उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद वीडियो एडिटिंग के लिए ऑल्सो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट कीजिएगा, 3D AI मूवीज़ कैसे बनाएं। ओके, ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है इसको डिटेल्ड में, इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ है, उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इस वीडियो में मैंने उनको क्लियर किया हुआ है। ओके, तो मैंने कैसे उस वीडियो को बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग की है, वॉइस को भी ऐड किया हुआ है, सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है वीडियो एडिटिंग में, ओके AI वॉइस कैसे जनरेट करें, ओके वीडियो एडिटिंग कैसे करें और कंप्लीट वीडियो बनाकर कैसे तैयार करें, तो हमारा वो वाला वीडियो देखिए। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ऑल्सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा आपको और आपकी हेल्प करूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।